दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने गैराज में शुरू की थी कंपनी, आज मुकेश अंबानी से ज्यादा करते हैं कमाई और रोज देते हैं 5.6 करोड़ रुपए का दान। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, शिव नाडर, जिनका जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोयम्बटूर के पीएसजी कॉलेज से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1967 में पुणे के वालचंद ग्रुप के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के डीसीएम ग्रुप के साथ एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर नौकरी की, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा और 1976 में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर HCL की स्थापना की, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, यानी HCL की शुरुआत एक गैराज से हुई थी। नाडर की लीडरशिप में कंपनी ने दिन दोगुना रात चौगुनी प्रोग्रेस की और जल्दी ही एक ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी बन गई। आज HCL की 60 से ज्यादा देशों में मौजूदगी है और इसमें 2,22,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। जुलाई 2020 में नाडर ने कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया और इसकी कमान अपनी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा के हाथों में सौंप दी। वह कंपनी के चेयरमैन एमिरेट्स और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं। सबसे बड़े दानवीर, 78 साल के शिव नाडर देश के दानवीरों की लिस्ट में लगातार दूसरे साल नंबर 1 पर रहे। एडेल गिब हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 के मुताबिक नाडर ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,042 करोड़ रुपए का दान किया। इस दौरान उन्होंने हर दिन 5.6 करोड़ रुपए का दान दिया। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारत तथा एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी ने 376 करोड़ रुपए का दान दिया। नाडर ने सन 1994 में शिव नाडर फाउंडेशन की स्थापना की थी, जो शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करता है। कोरोना काल में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर दान दिया था। दोस्तों, साल 2023 खत्म हो गया है। बीते साल कमाई के मामले में देश की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी HCL के फाउंडर शिव नाडर सब पर भारी पड़े। फाइनेंशियल ईयर 2023 में दान देने के मामले में भी वह सबसे आगे रहे। शिव नाडर ने वर्ष 1976 में एक गैराज में HCL की स्थापना की थी और आज वह देश के चौथे सबसे बड़े रईस हैं। पिछले साल यानी कैलेंडर ईयर 2023 में उनकी नेटवर्थ में 9.39 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और ये 33.9 अरब डॉलर पर पहुंच गई। नाडर की HCL में 61% की हिस्सेदारी है। इस साल कंपनी के शेयरों में 45% से अधिक तेजी आई है। तो आइए डालते हैं एक नजर नाडर के कैरियर पर। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में बीते साल 9.23 अरब डॉलर की तेजी आई। इसके साथ ही उनकी नेटवर्थ 96.3 अरब डॉलर पर पहुंच गई, लेकिन वह कमाई के मामले में नाडर से पिछड़ गई। नाडर की नेटवर्थ में पिछले साल 9.39 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। नाडर भारतीय रईसों की लिस्ट में चौथे और दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 44वें नंबर पर हैं, लेकिन दान देने के मामले में कोई उनके आसपास भी नहीं टिकता। लगातार 2 वर्षों से उन्होंने देश के सबसे बड़े दानवीर की कुर्सी पर कब्जा जमा रखा है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी HCL के मालिक शिव नाडर के बारे में, जो कि देश के सबसे बड़े दानवीर हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।